और ये फाइनल मैच संजू 11 मोबड़ा वर्सेस किंगफिशर बड़ो मशोबरा टीम। और ये पहली बॉल फाइनल की और अच्छा शुरुआत वहाँ पे सिंगल लेके जो बल्लेबाज थे ये सारे के सारे शॉट लेग साइड की तरफ ही मारने का कोशिश करते हैं और बोल्ड होके वापस जा रहे हैं। अच्छी शुरुआत फिर से यहाँ पे संजू 11 मोगड़ा की, पहला झटका दिया है उन्होंने अभी फाइनल में। अच्छा प्रदर्शन है इनका मशोबरा टीम के खिलाफ। और अगली दफा चले मुकेश और लेफ्ट साइड पे ये शॉट, छोटी बॉल, पूरा पादल था उसका। अच्छा रन एक रन मिलेगा जरूर। यहाँ पे नौ वन पे थ्रो और रन आउट के रूप में ये दूसरा झटका लगा वहाँ पे और ये बहुत ही बड़ा झटका बोलूंगा मैं किंगफिशर टीम के लिए। मेंटेन करके रखा उन्होंने। ओवर की आखिरी गेंद मुकेश की, सामने है वीरेंद्र और अच्छी गेंद वहाँ पे, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति पे स्कोर काफी संभल के खेलना होगा क्योंकि दो विकेट आउट हो चुके हैं उनके। और ये शॉट लॉन्ग बॉल स्ट्रेट ड्राइव खेला हुआ, स्ट्रेट ड्राइव जैसा ही कुछ था होती हुई के द्वारा। और पहली बार देखा कि इसमें शिक्षा में दर्शक मौजूद हुआ, ये काफी संख्या में लेड ऑन हो गए लगता है सामने है बल्लेबाज रिकू भी काफी अच्छे बल्लेबाज है मात्र एक रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। चौदह रन हो चुके हैं, दो ओवरों की समाप्ति पे किशोर बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी अपनी टीम के लिए और सामना करेंगे रिंकू। और ये पहली मरतबा किशोर अगली रक्षात्मक तरीके से खेला, इसी तौर पे एक रन जरूर होगा, मात्र एक गेंद फेंक की गई है अभी तक। और ये अगली गेंद राइट ऑन ओवर दी विकेट, लंबा गेंद था लेकिन हल्का नीचे रहा। काफी से खिलाड़ी भी है, बार भी बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से बहुत जल्दी काफी बिल्कुल वहां ऊपर से खेला जाता है वीरेंद्र ने। और जो टीम सेमीफाइनल में हारी है यही रुकी, उनके लिए भी हाँ प्राइज रखे इसी बीच में से किशोर सामने है बल्लेबाज रिंकू काफी से बल्लेबाज राइट ऑफ होना सब काफी अच्छे से पांच से वहां पे चले मौजूद और काफी अच्छे शो भी था तस्वीर होगा। ये फाइनल में काफी अच्छी टीम है दोनों ही काफी अच्छी टीम है।
लगा रखा वहां ब्रोक को, ब्रोक की है आधी टीम वापस को भी नहीं है। ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 15 रन और 5 विकेट आउट होके वापस पवेलियन जा चुकी है किंगफिशर बड़ोक की। पिछले वर्ष की विजेता टीम है ये नहीं है मिस्टर बंगेश वो थी। और 6 रन और ये विकेट अगले बार सवार राउंड विकेट और फिर से अंकित छोटी गेंद काफी लंबे लंबे छक्के पिछले मैच में भी ना लगाए थे अंतिम की तीन छक्के वहां तक खेलकर जब तक पहुंचे आसानी के साथ रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। बल्लेबाज अपने टीम का पांचवा ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके नहीं तो छक्के पे छक्के लगे इस टूर्नामेंट में तो बहुत ही अच्छी गेंद सम्मान दिया इस बार थोड़ी काफी अच्छी गेंदबाज है लेकिन 8-8 ओवरों का ये मैच देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करती है ब्रोक। एक तरफा मुकाबला तो नहीं कहेंगे लेकिन अभी तक पड़ना भारी जरूर है बोगड़ा का जिस तरह की गेंदबाजी है अगर इनको 60-65 में रोके तो राइट आर्म गेंदबाज पहला छोर से सामने है तर और जब तक की बॉल रुक रखे आसानी के साथ रन चला लिया काफी अच्छी रन विजुम देवी की दोनों खिलाड़ियों के भी किशोरी राइट आर्म ओवरस्टम फैला छोर से कमलेश भागा दे रखते हैं कमलेश ने गिरी बैट और बड़ा रखते हैं स्टॉप पर गिरी इसी बीच मिस्टर किशोरी बल्लेबाज है कमलेश छोटी गेंद और काफी टाइम बाद ये छक्का मिला किंगफिशर बड़ों का बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। देखिए कौन आए मिस्टर की देखिए 18 बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है ये और वही गेंद गुड़ने से खेली जिक्री स्टार्टों में दूसरा बल्लेबाज थोड़ा सा समय में खेलना होगा पिक्चर है पम्मी को ऐसा ना हो कि कोई बाहरी किनार लग जाए वही कांटी की जिसकी हम बात कर रहे थे और ये बिल्कुल बिल्कुल बाहर की तरफ निकल गई थी गेंद बैट का ऊपरी सी अलग है देखिए और एक और विकेट आउट रन आउट अच्छी फील्डिंग बहुत ही शानदार समाप्ति पे स्कोर है 40 रन 8 विकेटों के नुकसान के एक का फिर से बल्लेबाज काफी गहराई है बैटिंग में उठा दिया खतरा हो जाएगा वहां पे और यह
करने के लिए उतरी है संजू 11 मोगला। फाइनल जीतने के लिए इनको रन बनाने हैं 46 आठ ओवर में पहली गेंद और शुरुआत करी सिंगल से, रन आउट का चांस हो सकता था उधर। पहला झटका लगा वहां पे साइड में काफी ऊंचा शॉट, 6 रन। और फिर से वो एज बॉलर के सिर के ऊपर से 2 रन मिलेंगे शायद ये। एक ओवर की काफी स्कोर है 10 रन, एक विकेट के नुकसान की। नए जो गेंदबाज आए हैं कमलेश, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी सेमीफाइनल में। और फुलर लेंथ की बॉल और निश्चित रूप से होगा ये 6 रन। बाउंड्री हासिल करना है तो पहले ओवर में बने थे 10 रन, इस ओवर में बन चुके हैं 7 रन और स्कोर हो चुका है 17। स्लोअर बॉल वेरिएशन। और एक बात, और अगर कोई खिलाड़ी भाई एक हाथ से, और ये बॉल ऑफ साइड से बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद। अच्छी गेंद ऑफ साइड पे, लगता है यहाँ पे एक तरह से औपचारिकता ही शेष रही है इस गेम में, क्योंकि जिस हिसाब से किंग फिशर बड़ोग ये मैच ले रही है, सारे प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी ढीली। 19 रन पहले ही बना चुके हैं और अभी 2 ओवर नहीं हुए और ये फिर से एक सिंगल चुरा लिया वहाँ पे उन्होंने और स्कोर 2 ओवरों की समाप्ति पे 20 रन। और तीसरे ओवर की शुरुआत
तीसरा ओवर बड़ों के लिए स्टार्ट होगा, सामना करेंगे और उछाल के ये शॉट मारा है सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन चुनपुर करता हुआ पहुंच चुका है 26 पर। वीरेंद्र की अगली बॉल और फिर से उछाल दिया उसी दिशा में, 6 रन। मन पूरी तरह से हार चुकी है, सारे फील्डर्स के चेहरे लटक चुके हैं, कंधे झुक चुके हैं और एक विकेट हासिल किया वहां पे। वीरेंद्र इस ओवर में 2 बाउंड्री दे चुके हैं, विकेट भी हासिल किया है। लेग साइड में ये क्लिक करना चाहते थे बट एज लगा और मिलेगा 1 रन। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट प्राइज है 66,000, सेकंड प्राइज है 33,000। और फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला हुआ ये शॉट और 4 रन मिस फील्डिंग वहां पे। तीन ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 38, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, मात्र 8 रन बनाने हैं जीत के लिए यहाँ पे 30 गेंदों में। पम्मी आए हैं 4th ओवर लेके, जो कि उनके ओपनर गेंदबाज, आई डोंट नो किस तरह की कैप्टनशिप और किस तरह की प्लानिंग से ये टीम खेली है यहाँ पे, मात्र 8 रन बनाने हैं। स्लोअर बॉल, अच्छा वेरिएशन, स्लोअर गेंद, फिर से अच्छी गेंद, बल्ले बॉलर है उनको 4th ओवर कराया जा रहा है और ये लंबी बॉल, स्लो बॉल और 6 रन। मैच जीतने के लिए मात्र 2 रनों की आवश्यकता और कैच आउट, बॉबी आउट होके वापस जाते हुए। पम्मी अपने ओवर की ये अगली बॉल, और सिंगल नहीं लिया उन्होंने, 2 रन बनाने हैं मात्र जीत के लिए। लंबी बॉल बैक फुट में जाके खाली खेल भर दिया बॉलर के पास, क्योंकि शायद बाउंड्री से ही ये मैच ख़त्म करना चाहते हैं। और अभी ये 17 गेंदे शेष है और ये काफ़ी उछाल के मारा है ये शॉट बट बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं गया और आउट। और पहली दफ़ा आउट हुए हैं वो भी कैच आउट के रूप में। युवा स्पोर्ट्समैन और फिर से कुछ सामना कर रहे हैं और लेग साइड पे खेला हुआ ये शॉट और 6 रनों से ये मैच जीत लिया। और देखिए विनिंग मोमेंट, संजू 11, मोगड़ा। Thank you.